सो गाइज, मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज हम जो प्रोजेक्ट शूट करने हैं वो आए हैं स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट द एडिशन। सेक्टर 66 में है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। क्योंकि कंपनी ने इसका नाम थोड़ा खतरनाक सा रखा है द एडिशन, तो एडिशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा, मतलब एक एक्सक्लूसिव चीज़। तो हम समझते हैं कि ये जेन्युइनली एडिशन है कि मतलब इट्स जस्ट अ गिमिक। तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट समझाते हैं तो वी टॉक ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लोकेशन इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स, बिल्डर इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स, जो प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग्स है दे आर ऑल्सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, प्रोजेक्ट के जो लेआउट्स होते हैं दे आर वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशन आर अनदर पर्सपेक्टिव्स। तो दे आर, मतलब इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती है, एम्यूनिटीज आर अनदर पर्सपेक्टिव्स। तो उस तरीके से इट बिकम्स ए एडिशन। सो अगर हम एक लाइन से बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की, तो सेक्टर 66 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। तो इट्स ए एस्टेब्लिश्ड लोकेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज के डेट में हमें आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये चीज़ें आनी है, वो चीज़ें आनी है। ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं भी और बहुत चीज़ें आनी भी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना, दिस इज़ ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। वहाँ पर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, जस्ट आप पाम ड्राइव देखते होगे ना, उससे जस्ट पहले एक रोड आती है इनसाइड की तरफ, वहाँ से आप आते हो प्रोजेक्ट के अंदर। एंड लाइक आई थिंक दिस इज जस्ट 150 मीटर इनसाइड, यहाँ आते हो और यू कैन एंटर टू द प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। और सराउंडिंग में मैं जब ड्रोन चलाऊंगा तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग से ही आपको, मतलब लाइक डिफरेंट फ्लैट्स विल हैव डिफरेंट व्यू, सम ऑफ देम विल सी द मार्वेला विलाज, कुछ आपके मतलब लाइक ये सारी चीज़ें, जैसे सपोज मान लो कि MR के ही पाम ड्राइव है, पाम सेलेक्ट है, और क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो देखेंगे आपके। और इसके अलावा कुछ आपके उस तरफ से स्काईलाइन देखेंगे, जो आपके M3M का IFC है, गोल्फ स्टेट है, या मतलब लाइक और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वी विल पुट अ ड्रोन, इससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं। और ये सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आसपास है एक्चुअली, ये सारे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई लो एंड प्रोजेक्ट्स है, इट इज़ ऑफ द एक्सटेंशन रोड एक्चुअल में। तो देखो, हमें इसको पॉजिटिवली इसलिए लेना है कि अगर सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट जो बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, तो शायद वहाँ पर थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है। अगर आप थोड़े से ऑफ हो तो आपको थोड़ा ये रहता है कि मतलब जो मेन रोड का जो हैसल मैसल है, उससे आपको थोड़ा सा आपको मतलब छुटकारा मिलेगा एक्चुअल में। अब बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। देखो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है तो बहुत प्राइम एक्चुअल में, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड है, देन वहाँ से कनेक्ट होते हुए एक्सटेंशन रोड आता है, देन यू मीट टू सोना रोड अभी, और वहाँ से आप जाते हो SPR के थ्रू ही, मतलब लाइक यू गो टू लाइक कंप्लीट अदर क्लोवर लीफ, वहाँ से मतलब यू टेक टू CPR, देन द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे अगेन टेक्स यू टू मतलब लाइक शिव मूर्ति। तो इस तरीके से ना, ये पूरा एक राउंड है जो आपको एक पूरा उसमें मिलाता है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, ये पूरा एक्सप्रेसवे का एक पूरा जाल है एक्चुअल में। आज आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आते हैं तो मुझे पता है कि मतलब आपको काफ़ी बैड सा फीलिंग आता होगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ बिल्डर्स। देखो, बिल्डर्स ने तो बहुत अच्छी अच्छी डिलीवरीज दी है यहाँ पर, ऑलरेडी आज के डेट में एक्सटेंशन रोड इज अ सिनोनिम ऑफ लग्जरी। पर देखो, मैंने गोल्फ कोर्स रोड को इसे बदतर हालत में देखा हुआ है 10 साल पहले, जब एक बार रीडेवलपमेंट हुआ वहाँ का, तो नाउ इट्स लुक्स अमेजिंग। तो एक्सटेंशन रोड पे भी रीडेवलपमेंट होना है। देखो, प्रीवियसली आज से 1.25 साल पहले न्यूज़ आया था कि देखो, वैसे अगर आप एक्सटेंशन रोड का ना, मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाऊंगा, तो एक्सटेंशन रोड 160 मीटर रोड है, तो इट्स एज गुड एज एक्सप्रेस वे, जहाँ पर आपकी प्रॉपर रोड्स होंगी, सर्विस लेंस होगा, ग्रीन एरिया होगा, जब ये फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट हो जाएगा। जब तक नहीं डेवलपमेंट हुआ, आपको यही मतलब लाइक यू विल फील लॉट ऑफ शैबी थिंग्स अराउंड, वो चीज़ एग्जैक्टली। कई सारे फ्लाईओवर्स बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, तो अंडरपास तो आपका बन गया ऑलरेडी, आपने देखा होगा, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, पर गवर्नमेंट धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें करती जा रही है, वो बनने से भी मतलब एक कनेक्टिविटी थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है आपका। और इस प्रोजेक्ट को लेने से आपको फायदा ये है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, तब तक यू विल हैव लॉट ऑफ कॉन्क्लूजन। वो बता रहा हूँ ना, जो सर्कल, वो दैट इज़ अ वेरी प्राइम सर्कल एक्चुअली, ये पूरा का पूरा गुड़गांव को सराउंड करेगा एक्चुअल में, और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहेगा ग्रोथ का आपका। इसके अलावा अगर आप सोना रोड से इंटरसेक्ट करके राइट में जाना चाहो, तो यू कैन रीच टू राजीव चौक। देखो, मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेस भी अब यहाँ ज़्यादा टाइम लगता आने में, तो जैसे जैसे रोड की डेवलपमेंट होती जा रही, वैसे वैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो लोकेशन देखो, इट्स वेरी प्राइम, क्योंकि आज के डेट में हर जगह आप सराउंडिंग में देखोगे तो देर आर ऑल प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज भी काफ़ी सारे यहाँ वर्क करने के लिए, जो वर्क एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है एग्जैक्टली। नहीं तो मतलब लाइक आज M3M में ही एक, मतलब देर इज़ अ IFC टावर विच इज़ नाउ अनदर सिनोनिम टू जो DLF का वन हॉरिजॉन है, तो वैसे ही मतलब यहाँ पर भी, तो ऐसे करके कई सारे ऑफिस स्पेसेस आएंगे आपके, ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो एक बैलेंस यहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सटेंशन रोड के ये सारे सेक्टर्स पेरिफेरी सेक्टर्स में आते, तो उस तरफ आपको अरावली माउंटेन का भी, जैसे हाई राइज में आप जाते हो, मतलब फ्रॉम हायर फ्लोर
आपको अरावली माउंटेन का भी अच्छा एक्सेस मिलेगा आपका, बट हर जगह आपको जाना हो इट्स वेरी कन्वीनियंट। इनफैक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अगर कोई बंदा है जो साउथ दिल्ली की तरफ जाना चाहे तो यहीं से मेहरोली रोड पर जा सकता है, यहाँ से फरीदाबाद की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो दीज आर दी मेजर थिंग्स। और अब तो खैर कहने का मतलब है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके सराउंडिंग में आ रहे हैं, सारे लग्जरी। अभी गोदरेज का नया लॉन्च है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। DLF इज कमिंग अप विद अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च। तो ये सारी चीज़ें ड्यू हैं, तो अब नाउ इट्स कंप्लीट इकोसिस्टम। इनफैक्ट अब बात करते हैं हम बिल्डर की, स्मार्ट वर्ल्ड की। देखो स्मार्ट वर्ल्ड यू कैन हैव अ वेरी क्लोज एफिलिएशन विद M3M, तो गुडविल का, M3M का गुडविल एंड स्मार्ट वर्ल्ड का गुडविल आप कैरी ऑन कर सकते हो। जैसे आज सपोज मान लो गोल्फ स्टेट जैसा प्रोजेक्ट है, 55 एकड़ का डेवलपमेंट है, क्या ब्यूटीफुल बना आपका। उसके अलावा IFC टावर इन्होंने बनाया, M3M मर्लिन बनाया इन्होंने, नाउ इट इज़ वन ऑफ द डेवलपर जिसने सबसे ज़्यादा डिलीवरीज दी है गुड़गांव के अंदर। उसके बाद नाउ दे हैव देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नोएडा ऑल्सो। अब स्मार्ट वर्ल्ड है कि मतलब लाइक स्मार्ट वर्ल्ड के अगर ब्रांड के हिसाब से देखोगे, दे हैव प्रोजेक्ट लाइक, इससे पहले उन्होंने लोराइज डेवलपमेंट्स बनाई थी जेम एंड ऑर्चर्ड के नाम पे, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एंड देर इज़ अ कमर्शियल ऑल्सो ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वो इनके जो ऑर्चर्ड उसके साथ साथ ही चलते हैं कमर्शियल डेवलपमेंट। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस पे 1DXP इन्होंने प्रोजेक्ट बेचा जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उस पर बहुत अच्छा प्रीमियम है लोगों को। मैंने जब बेचना शुरू किया था तो वी स्टार्टेड विद 11,000 rupees, नाउ रीसेल में देर इज़ अ रेट ऑफ 14,000-15,000 rupees, तो आई थिंक जब डबल हो गया पैसा लोगों का। एक साल में अगर आपके पैसे डबल हो जाते हैं तो आई थिंक इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो 1DXP भी काफ़ी अच्छा बुद्धि, और भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे दे हैव लाइक M3M और स्मार्ट वर्ल्ड विल कम अप विद मेनी ऑफ द डेवलपमेंट्स एक्चुअल में। मतलब ये सब ब्रांड में इन्वेस्ट करना इज लाइक इन्वेस्ट इन ए सिक्योर ब्रांड एक्चुअल में नाउ, एंड दे हैव लाइक लैंड्स, बहुत स्ट्रेटेजिक लैंड भी इनके पास। मतलब अगर आप एज अ ग्रुप पोर्टफोलियो M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की बात करोगे तो दे हैव लैंड्स ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, 200-250 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट है, जहाँ पर नाउ अभी M3M ने रिसेंटली अनाउंस किया दे विल कम अप विद 160 एकड़ गोल्फ स्टेट 2 देयर। काफ़ी सारे और कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी आएंगी। फिर उसके बाद लाइक आप देखोगे 79 में दे हैव वेरी स्ट्रेटेजिक लैंड ऑफ 200 एकर्स जो इन्होंने इंडियाबुल्स से परचेज किया है। फिर दे हैव लैंड इस एरिया में ही, आप काफ़ी सारे जैसे दिस इज़ वेरी प्राइम लोकेशन, ये सारे आउटराइट लैंड्स हैं इनकी। दे हैव लैंड इन गोल्फ स्टेट के में भी, और सारे फ्यूचर में कुछ टावर्स आएंगे वहाँ पे भी, दे हैव गॉट स्ट्रेटेजिक लैंड्स। पानीपत में दे हैव लाइक गॉट 300 एकर्स लैंड। इसके अलावा गुड़गांव में ही अपने आप में देख लोगे तो मतलब गुड़गांव में एक इंच लैंड होना बहुत बड़ी बात होती है, दे हैव गॉट सो मच डेवलपमेंट। तो काफ़ी मतलब लाइक एक्टिव हैं, और लैंड के हिसाब से तो दे हैव लाइक बहुत सारी मतलब प्राइम लोकेशंस की दे हैव लैंड्स एक्चुअली, और छोटे छोटे पैचेज में तो बहुत जगह लैंड है इनके पास। डेवलपर वाइज ऑलरेडी दे हैव फार मोर एक्सपीरियंस टू डेवलप अ लग्जरी प्रोजेक्ट। ब्रांड्स की भी एसोसिएशन की बात करोगे तो दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड मतलब अच्छे ब्रांड्स इन्होंने, इंटरनेशनल ब्रांड्स इन्होंने दे हैव पुट इस वाले प्रोजेक्ट में। आर्किटेक्चर इज बिंग डन बाई स्टूडियो सिम्बोसिस, द सेम कंपनी विच इज़ एक्टिव इन जर्मनी एंड UK। इसके अलावा क्लब एंड कॉमन इंटीरियर्स इज बिंग डन बाई ग्रे मैटर्स सिंगापुर, लैंडस्केप डिज़ाइन रेड लैंडस्केप थाईलैंड। इसके अलावा सैम्पल इंटीरियर्स इज ऑल्सो डन बाई थाईलैंड कंपनी। अब बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। देखो प्रोजेक्ट में जैसे लैंड आप देखोगे तो लंबी लैंड है इनकी, ठीक है, टेक्निकली सो लंबी लैंड है। इस तरीके से फ्रंटेज है, आप देखोगे तो बीचों बीच देर इज़ अ एंट्री, और बीचों बीच से एंट्री होगी प्रोजेक्ट की। और अगर आप लैंड देखोगे तो लंबी जाती है, मतलब इस तरीके से देखोगे, अगर मैं लैंड के बीच से देखूं ऐसे ऐसे टावर के जो क्लस्टर्स है वो इस तरफ जाते हैं, मतलब दो ट्विन टावर इस तरफ चले गए और एक ट्विन टावर इस तरफ चला, इस तरफ चार टावर हो गए, ठीक है, इस तरफ आपका क्लब एंड दो टावर हो गए आपका एग्जैक्टली। तो जैसे कि हम कहते हैं कि देर आर 3 ट्विन टावर्स, तो ट्विन टावर्स का मतलब है कि एक ट्विन टावर में दो टावर्स है और एक फ्लोर पे चार फ्लैट है, सेम एलिवेशन है हर तरफ, टू फ्लैट्स लुक इनसाइड एंड टू फ्लैट लुक आउटसाइड एक्चुअल में, ठीक है। और रनिंग बालकनी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, जिसमें भी टेरेस्ट काइंड ऑफ बालकनी, सो एनीबडी हु इज फॉन्ड टू हैव लाइक रनिंग बालकनी इन द होम कैन श्योरली ऑप्ट फॉर इट। 6 फिट का, 7 फिट का, 8 फिट का डेफ्थ दिया इन्होंने। अगर आप देखोगे, इफ यू अंडरस्टैंड द 1 ट्विन टावर कॉन्सेप्ट, जहां पर दो टावर है यानी कि कलेक्टिव मिलोगे तो 8 फ्लैट हो गए, सो कॉर्नर्स आर 4 BHK, और 4 BHK में इन्होंने जो बालकनी दी वो एल शेप दी है, यानी कि रनिंग में भी और ऐसे भी, और 3 BHK में सिर्फ एक सिंगल साइडेड बालकनी है बट कम्प्लीटली रनिंग बालकनी। तो कॉर्नर्स में मतलब देर आर 4 BHK, ठीक है। साइजेस की बात करें, 3 BHK क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट आते हैं, 4 BHK क्लोज टू 3600 स्क्वायर फीट आते हैं आपका। फसाड वसाड भी देखोगे तो मतलब इट लुक्स वेरी एलिगेंट, मतलब फॉर अ सिंगल टावर देर आर 4 लिफ्ट्स और हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, 42 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 42 फ्लोर की बिल्डिंग है। नीचे आपको फ्लैट नहीं देंगे, नीचे स्टिल्ट पूरा खाली होगा, 1 लाख फ्लोर आपके क्लब होगा। जो आप क्लब की बिल्डिंग देख रहे हो इट्स सो एलिगेंट। प्रोजेक्ट के बीचों बीच आप देखना देर इज अ क्लोज टू 5 एकर्स का ग्रीन एरिया एक्चुअल में। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी चीज़ें आपको दी जा रही हैं,
और आई थिंक यू आर एसोसिएटेड विद अ गुड ब्रांड. तो यू हैव डिफरेंट एमिनिटीज इन क्लब की बात करूँ तो यू हैव प्राइवेट थिएटर वेर यू कैन वॉच मूवीज, देर विल बी पार्टी हॉल वेर यू कैन थ्रो दी पार्टीज, स्पोर्ट्स बार, बिजनेस लाउंज, वेलनेस के लिए आपको मिलेगा स्पा, यू विल हैव अमेजिंग जिम विद द बेस्टेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स. अदर देन दिस इन स्पोर्ट्स यू विल गेट स्क्वैश कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स एंड मैनी मोर. यू विल हैव बीच पार्क, जॉगिंग ट्रैक, योगा पॉड्स, एमपी थिएटर, kids play areas, skate park, outdoor gym and barbecue zones and many more. और इसके अलावा you can see club के ऊपर आप देखोगे कि there is a infinity pool. So infinity pool का basically मतलब ये होता है कि मतलब अगर आप pool से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे suppose मान लो there is nothing, मतलब nothing is bounding you, कि कोई खत्म होते हुए नहीं दिखता. जैसे कई बार आप sea देखते हो तो आपको लगता है ना कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा sea exactly. तो वो infinity pool का concept होता है, बहुत beautiful लगता है actually. तो काफ़ी बड़ा infinity pool दिए इन्होंने, साथ में देर इज अ डिफरेंट पूल ऑल्सो. इसके अलावा दिस प्रोजेक्ट हैज ऑफर्ड जकूजी ऑन दी बालकनी. तो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ना जिसको जकूजी चाहिए एंड जिसके लिए टेरेस बालकनी चाहिए उसके लिए परफेक्ट है. इसके अलावा दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज ऑफरिंग 11.5 फीट सीलिंग हाइट. सो ये ना एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है एक्चुअली. सीलिंग हाइट जनरली गुड़गांव में जो लग्जरी से लग्जरी प्रोजेक्ट भी होते हैं ना वो 10.5 फीट सीलिंग हाइट ऑफर करते हैं आपका. तो पूरे एक्सटेंशन रोड पे आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा सीलिंग हाइट किसी भी प्रोजेक्ट का है. सो सीलिंग हाइट का फायदा ये होता है कि इट एड्स टू लग्जरी. इससे घर आपका थोड़ा बड़ा लगता है, घर बड़ा लगता है तो ज़्यादा लग्जूरियस लगता है एक्चुअल में. इसके अलावा इटालियन मार्बल होगा, फुली लोडेड फ्लैट्स होंगे, दे आर गिविंग वीआरवी एयर कंडीशनिंग विद ऑल डक्टिंग यूनिट्स. डक्टिंग यूनिट्स वो होती है जब आप देखते हो कि मतलब लाइक एक होता है कि वीआरवी के साथ स्प्लिट यूनिट्स लगाते हैं, एक होता है प्रॉपर डक्टिंग होती है फर्स्ट डे से. तो वो चीज़ें हैं, तो ये भी आपको मतलब काफ़ी बड़ा हेडेक है बाद में बनवाना, तो आई थिंक बिल्डर इज़ गोइंग टू डू इट. इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा और इसके अलावा एयर प्योरीफायर्स लगे हुए होंगे आपके, इंस्टॉल्ड एयर प्योरीफायर्स. तो आज के डेट में जहाँ पर आपको पता है कि मतलब पॉल्यूशन इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. देखो सिटी में रहना हमारी मजबूरी भी है बिकॉज वी हैव ऑल द वर्क, बट वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द पॉल्यूशन ऑल्सो. तो स्पेशल इनबिल्ट एयर प्योरीफायर होने से आपको ये फायदा होता है कि यू विल यूज़ इट. अदरवाइज बहुत रेयर केस में आप कभी घर से खरीद के लाते, मतलब बाद में खरीद के एयर प्योरीफायर लगाते हो एक्चुअली. ये होता है एक्चुअली, दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग बट इट है. और आप देखोगे फसाड्स में भी देखो दे हैव सीन गिवन ब्यूटीफुल लाइटिंग्स अराउंड एक्चुअल में. तो क्योंकि एक्चुअली क्या है ना बहुत चीज़ें होती है कि मतलब फसाड्स कैसे ब्यूटीफुल रखना है. प्रोजेक्ट इन्होंने इस हिसाब से बनाया कि दे ऑफर टू मास्टर बेडरूम्स, यानी कि दो रूम्स होंगे जो बहुत ही बड़े साइजेस के होंगे और अच्छा लगेगा. तो बाकी जैसे सपोज मान लो कि आपको एग्जैक्ट समझना हो कि मतलब रूम्स कैसे लगेंगे, तो अब देखो बिकॉज यू आर लिविंग इन अ टाइम वेयर देयर इज टू मच इनहेंस टेक्नोलॉजी, सो 3D ऑलरेडी बना हुआ है प्रोजेक्ट का. लाइक इट्स नॉट 3D नाउ, 8D 9D कहते हैं उसको एग्जैक्टली. तो ईवी के थ्रू यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द फ्लैट आपका कैसा लगेगा एक्चुअल में. तो सेम रिजेंबल करने के लिए हमें फ़ोन करना, विल शो यू दैट. इसके अलावा एक और बहुत प्यारा सा ईवी बना हुआ है, वो भी उसके लिए भी लाइक मतलब आपको आना पड़ेगा हमारे साथ, मतलब वी कैन शो दैट. तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली. अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखा पाऊँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको आना भी पड़ेगा एक्चुअल में. दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल. प्लीज़ कॉल अस और व्हाट्सएप अस फॉर फर्दर डिटेल्स. थैंक यू.